Hello kids, welcome back to the class of general knowledge part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. So let's start. This is about staying fit, right? So we should follow and what should we do not follow are some habits that we have to keep a check on regularly. कुछ ऐसी habits हमारी होती हैं जो कि सही होती हैं, कुछ ऐसी habits होती हैं जो कि हमारी गलत होती हैं. Right kids, और आज हम ऐसी ही कुछ do's and don'ts के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी health पर बहुत ही ज़्यादा effect डालते हैं. Let's start. This is chapter number 27, staying fit. Right kids, being healthy is a state of being physically and mentally fit. अगर हम healthy हैं तो इसका मतलब है हम mentally भी और physically भी बिल्कुल strong and healthy and बढ़िया हैं. Right? A healthy person has strong immunity. एक हेल्दी इंसान की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, उसे जल्दी से कोई बीमारियां नहीं लगती, वो कोल्ड कैच नहीं करते, कफ और फीवर भी उनको जल्दी से नहीं होता या फिर कोई भी ऐसी छोटी चीजें उनको जल्दी इफेक्ट नहीं करती. उनका डाइजेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है और वो हमेशा हेल्दी रहते हैं. राइट किड्स, सो वो ऐसी कौन सी चीजें करते हैं वो भी हम जानेंगे और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ये भी हम जानेंगे. हियर आर सम डूज एंड डोंट्स यू नीड टू फॉलो टू इंश्योर गुड हेल्थ. तो कुछ डूज और डोंट्स नीचे दिए गए हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी. चलिए देखते हैं. वन इज डोंट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड एट रोडसाइड स्टॉल्स. रोडसाइड स्टॉल्स पर जो भी ठेले लगे होते हैं वहां से हमें अनकवर्ड फूड कभी भी नहीं खाना चाहिए. नंबर टू, डोंट कीप ईटिंग ऑल द टाइम. हर वक्त खाना खाना अच्छा नहीं होता, हमें 3 बार ही खाना दिन में खाना चाहिए, विच इज इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. Right kids, next is don't eat too much deep fried food as it may cause you to put on harmful weight. अगर आप ज्यादा फ्राइड खाना खाते हैं तो उससे आपका वेट पुट ऑन होता है और आप लेजी हो जाते हैं और ओवरवेट हो जाते हैं. Right kids, इससे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी फिर कर नहीं पाते. Next is do keep yourself physically fit and active. अपने आप को हमेशा अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें ताकि आप फिजिकली फिट रह सके. नेक्स्ट इज इंक्लूड फ्रूट्स एंड सैलड इन योर डाइट. अपनी डाइट में हमेशा फ्रूट्स और सैलड्स इंक्लूडेड रखिए. नेक्स्ट इज अवॉइड जंक फूड लाइक चिप्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, आइसक्रीम, ऐसे जंक फूड से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, खाना नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना जरूर चाहिए. Don't sit too close to the TV, it is harmful for your eyes. TV के बिल्कुल पास होकर बैठना हमें सही नहीं रहता, हमें उसे दूर रहकर बैठकर उसे देखना चाहिए ताकि हमारी आई साइट खराब ना हो. Next is do not watch TV for long hours continuously. और अगर आप टीवी देख भी रहे हैं तो लंबे समय तक टीवी देखना भी अच्छा हैबिट नहीं है, हमें थोड़ी देर के लिए ही टीवी को देखना चाहिए. Next is protect yourself from water, air and noise pollution. अपने आप को वाटर, एयर और सॉइल पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन से बचाकर रखना चाहिए. अपना माउथ, हेड वगैरह कवर करके रखना चाहिए. राइट, डू नॉट प्ले इन डर्टी सराउंडिंग्स. गंदी जगह पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें बीमारियां लग सकती हैं और जर्म्स कैरी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली. आउटडोर गेम्स जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा खेलने चाहिए, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, रनिंग, जॉगिंग एटसेट्रा. नेक्स्ट इज डू ऑल योर हाउसहोल्ड वर्क योरसेल्फ. अपना घर का काम हमेशा हमें खुद करना चाहिए, जैसे कि अपने बर्तन उठाकर फ्रिज में रखना, पानी की बॉटल्स भरना, इसके अलावा बेडशीट साफ करना, बेड बनाना, ये सब चीजें हमारे घर के कामों में आते हैं जो हमें हमेशा अपने आप से करने चाहिए. नेक्स्ट इज ऑलवेज क्लीन योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर हैविंग योर मील्स. खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा हमें हाथ धोने चाहिए, प्लस जब भी हम वॉशरूम जाए तो हमें अपने हाथों को अच्छे से क्लीन एंड वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट इज टेक अप सम कंस्ट्रक्टिव हॉबी टू कीप योरसेल्फ यूजुअली ऑक्यूपाइड. अपने आप को एक अच्छी सी हॉबी में इन्वॉल्व हमें करना आना चाहिए ताकि हम हमेशा बिजी रहें, हमारा माइंड हमेशा वर्क करता रहे. नेक्स्ट इज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ. हमेशा चीजों को लेकर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. लेट मी आंसर. नेम 2 types ऑफ एक्सरसाइजेस दैट आर डन विदाउट एनी प्रॉप्स. कोई ऐसी 2 exercises का नाम बताइए जिनमें किसी इक्विपमेंट की या प्रॉप की जरूरत हमें नहीं पड़ती. राइट किड्स, चलिए अब ये पढ़ते हैं. लेट्स चेक हाउ मच डू यू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. देखते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में कितना मालूम है. एंड मैच द फॉलोइंग 2 columns. और इन 2 columns को हमें मिलाना है.
पहला है फास्ट फूड. फास्ट फूड कौन सा होता है किड्स? Well, it's easily prepared processed food that is served very quickly in special restaurant. Restaurant में जो हमें जल्दी जल्दी बनाकर दिया जाता है, जैसे चिली पोटैटो, चिली पनीर, चिली मशरूम, फ्राइड राइस, मंचूरियन या फिर कोई भी ऐसी चीज जैसे कि नूडल्स, मोमोज, बर्गर्स, ये सब चीजें हैं फास्ट फूड. नेक्स्ट इज जंक फूड, वो है जो कि प्री प्रिपेयर्ड और पैकेज होता है, जैसे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और पैकेज फूड दैट हैज लो न्यूट्रिशन वैल्यू. इससे फैट बढ़ता है और न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिलता, राइट? नेक्स्ट इज होल फूड. होल फूड इज अनरिफाइंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कंटेन एनी आर्टिफिशियल सब्सटेंस, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं होता, बिल्कुल अनरिफाइंड और हेल्दी खाना होता है, दैट इज होल फूड, जैसे पल्सेस, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा. नेक्स्ट इज सी फूड. सी फूड है विच इज फिश एंड सी क्रीचर्स दैट कैन बी ईटन, जैसे फिश, क्रैब एटसेट्रा, प्रॉन्स वगैरह सी फूड में काउंट होते हैं. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids!